हम बात करेंगे क्रोमोसोम के बारे में, गुणसूत्र जो कि आनुवंशिकी के वाहक होते हैं। डिस्कवरी का श्रेय जाता है स्ट्रासबर्गर को 1875 में, और यह नाम क्रोमोसोम यह दिया गया था वाल्डेयर द्वारा 1888 में। इंटरफेज न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमैटिन पदार्थ पाया जाता है, तो वो ही क्रोमैटिन संघनित होकर क्रोमोसोम के रूप में कोशिका विभाजन के समय देखा जा सकता है, स्पष्ट हो जाता है, क्रोमोसोम्स के रूप में स्पष्ट हो जाता है कोशिका विभाजन के समय। इसके साथ ही कोशिका विभाजन की मेटाफेज एवं एनाफेज अवस्था में गुणसूत्रों के शेप्स का अध्ययन ठीक तरह से, बेस्ट तरीके से किया जा सकता है। क्रोमोसोम संरचना की अगर हम बात करें तो मेटाफेज क्रोमोसोम में, मेटाफेज अवस्था में क्रोमोसोम के अंदर हमें निम्न संरचनाएं देखने को मिलती हैं, क्रोमैटिड, क्रोमोनिमा, क्रोमोमियर, सेंट्रोमियर, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, टीलोमियर एंड सेटेलाइट। ये डिफरेंट संरचनाएं हैं जो कि हम मेटाफेज क्रोमोसोम में हम अध्ययन कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम लेते हैं क्रोमैटिड। क्रोमैटिड टर्म हम यूज करते हैं, हम किस संदर्भ में यूज करते हैं क्रोमैटिड टर्म? क्रोमैटिड जो ये टर्म है, इससे हमारा तात्पर्य है कि एक क्रोमैटिड के अंदर एक डीएनए पाया जाता है, और नंबर ऑफ क्रोमैटिड पर क्रोमोसोम वैरी करता है डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ सेल साइकिल। यदि हम माइटोटिक मेटाफेज की बात करें तो प्रत्येक क्रोमोसोम में हम दो क्रोमैटिड पाएंगे, और ये दोनों क्रोमैटिड सेंट्रोमियर द्वारा एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। एनाफेज में ये दोनों क्रोमैटिड सेपरेट हो जाते हैं और जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूवमेंट करते हैं। क्रोमोनिमा, माइटोसिस के प्रोफेज में क्रोमोसोम बहुत ही पतले पतले धागे सदृश संरचनाओं की भांति नजर आते हैं, इन्हें ही हम क्रोमोनिमेटा कहते हैं। तो क्रोमोनिमा वह अवस्था है जो कि कंडेंसेशन की प्रारंभिक अवस्था दर्शाती है। क्रोमैटिड और क्रोमोनिमा बेसिकली दो अलग अलग नाम हैं एक ही संरचना के लिए, सिंगल लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल विद इट्स एसोसिएटेड प्रोटीन्स। क्रोमोनिमेटा फॉर्म द जीन बेयरिंग पोर्शंस ऑफ द क्रोमोसोम्स। इसके बाद हम बात करेंगे
क्रोमोमियर्स की। क्रोमोमियर क्या होते हैं? क्रोमोमियर मोती सदृश संरचनाएं हैं क्रोमैटिन पदार्थ की। क्रोमोमियर्स को विशेष रूप से पॉलिटिन क्रोमोसोम्स में देखा जा सकता है। मेटाफेज में जब क्रोमोसोम अत्यधिक कॉइल्ड हो जाते हैं तब क्रोमोमियर्स विजिबल नहीं हो पाते। क्रोमोमियर क्षेत्र में डीएनए टाइटली फोल्डेड अवस्था में पाया जाता है। सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर क्रोमोसोम पर एक क्षेत्र पाया जाता है जिसे हम प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहते हैं या प्राथमिक संकुचन कहते हैं। सेंट्रोमियर इसी क्षेत्र में पाया जाता है। सेंट्रोमियर द्वारा ही दोनों क्रोमैटिड्स अटैच हो जाते हैं एक दूसरे से और फिर एनाफेज में एक दूसरे से सेपरेट होकर अपोजिट पोल्स की तरफ भेजे जाते हैं। क्रोमोसोम द रीजन्स ऑफ क्रोमोसोम फ्लैंकिंग द सेंट्रोमियर कंटेन हाईली रिपीटेटिव डीएनए एंड मे स्टेन मोर इंटेंसली विद द बेसिक डाइज। सेंट्रोमियर की पोजीशन डिटरमाइन करती है कि क्रोमोसोम क्या शेप लेता है। टीलोसेंट्रिक यदि यदि सेंट्रोमियर समीपस्थ सिरे पर पाया जाता है मतलब एक बिल्कुल एक्सट्रीम एंड पर पाया जाता है तो हम उन क्रोमोसोम्स को टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम क्रोमोसोम्स में सेंट्रोमियर इस प्रकार पाया जाता है कि क्रोमोसोम का एक आर्म बहुत छोटा होता है और एक आर्म बहुत लंबा होता है। यहाँ चित्र में हम देख सकते हैं ये है टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम और यहाँ हम देख सकते हैं कि सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के बिल्कुल एक एंड पर है। एक्रोसेंट्रिक में हम देख सकते हैं कि सेंट्रोमियर इस प्रकार से स्थित है कि एक आर्म बहुत छोटा है और एक आर्म बहुत लंबा है। सब मेटासेंट्रिक में क्रोमोसोम्स जे या एल शेप के होते हैं क्योंकि यहाँ सेंट्रोमियर लगभग क्रोमोसोम के केंद्र के पास या थोड़ा सा केंद्र से थोड़ी सी दूरी पर पाया जाता है तो दो अनइक्वल आर्म्स पाए जाते हैं क्रोमोसोम में। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम वी शेप्ड क्रोमोसोम होते हैं और इनमें सेंट्रोमियर बिल्कुल केंद्र में स्थित होता है तो दो जिसकी वजह से प्रत्येक क्रोमोसोम के दो इक्वल आर्म्स होते हैं। यहां हम ये है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जिसमें क्रोमोसोम्स के दो इक्वल आर्म्स पाए जाते हैं और ये सब मेटासेंट्रिक है मतलब एग्जैक्टली सेंटर में नहीं होकर के सेंट्रोमियर थोड़ा सा सेंटर से अलग हटकर है
ताकि दो अनइक्वल साइज के आर्म्स, दो अनइक्वल लेंथ के आर्म्स देखे जा सकते हैं। ये सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है और इसमें हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं क्रोमोसोम के। ये तो सेंट्रोमियर है और ये छोटा वाला आर्म है और ये लंबा आर्म है, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है। यहां हम देख सकते हैं ये मेटाफेजिक क्रोमोसोम है मेटाफेज अवस्था में, और दोनों ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। काइनेटोकोर पाया जाता है सेंट्रोमियर पर। सेंट्रोमियर पर स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस पाए जाते हैं और जिनके साथ स्पेशल प्रोटीन्स बाउंड होते हैं, और ये विशिष्ट डिस्क शेप संरचना बनाते हैं जिन्हें हम काइनेटोकोर कहते हैं। तो काइनेटोकोर डिस्क आकार की संरचना है जो कि जिसका डायमीटर 0.20 to 0.25 नैनोमीटर होता है, और यह प्राइमरी कंस्ट्रक्शन या सेंट्रोमियर पर पाया जाता है। काइनेटोकोर का मुख्य फंक्शन क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ द काइनेटोकोर इज टू प्रोवाइड अ सेंटर ऑफ असेंबली फॉर माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो इससे माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच्ड होते हैं काइनेटोकोर से। इट सर्व्स एज अ न्यूक्लिएशन सेंटर फॉर द पोलीमराइजेशन ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन्स, प्रोटीन इनटू माइक्रोट्यूब्यूल्स। टीलोमियर क्रोमोसोम की जो एक्सट्रीमिटी होती है उसे ही हम टीलोमियर कहते हैं, जो बिल्कुल छोर होता है क्रोमोसोम का, उसे हम टीलोमियर कहते हैं। और If a chromosome breaks, the broken ends can fuse with each other due to lack of telomeres. यहां हम देख सकते हैं एक सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम यहां प्रदर्शित किया गया है, और इसमें हम वेरियस पार्ट्स देख सकते हैं क्रोमोजोम के। तो ये तो है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, इसके ऊपर ही काइनेटोकोर स्थित होता है, और प्राइमरी कंस्ट्रक्शन की वजह से वेरियस डिफरेंट शेप्स पाए जाते हैं डिफरेंट क्रोमोसोम्स के। ये बिल्कुल एंड पार्ट है जो छोर, टिप ऑफ क्रोमोसोम जिसे कहते हैं, टिप ऑफ क्रोमोसोम, उसे हम टीलोमियर कहते हैं। दिस इज सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, ये भी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है। और कुछ सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस किन्हीं विशिष्ट सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के साथ न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन एसोसिएटेड होते हैं।
सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शंस कांस्टेंट होते हैं पोजीशन में और इनकी मदद से हम विशिष्ट क्रोमोसोम्स की पहचान कर पाते हैं। न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर क्या होते हैं? ये विशिष्ट सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन स्थल होते हैं जहां ऐसे जीन्स पाए जाते हैं जो कि 5.8S, 18S एवं 28S राइबोसोमल आरएनए के लिए कोड करते हैं। सैटेलाइट, सैटेलाइट भाग जो होता है क्रोमोसोम का, वो शेष क्रोमोसोम के साथ एक पतले थिन क्रोमैटिन फिलामेंट द्वारा जुड़ा होता है। जिन क्रोमोसोम्स में सैटेलाइट पाया जाता है उन्हें सैट क्रोमोसोम कहते हैं। फंक्शन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ क्रोमोसोम्स, तो इनका योगदान सेल डिवीजन में होता है और इनके वेरिड फंक्शंस एनलिस्टेड हैं।